दीन नहीं है, बेवकूफी है कि अगर कोई शख्स पैदल हज करना चाहता है और वो ताकत रखता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेख चित्तूर भाई जो कि पैदल हज के लिए निकले हैं, उनके बारे में अहले हदीस के उलमा और हमारे अहले सुन्नत और जमात के उलमा इकराम का क्या नजरिया है, अब देखते हैं। और मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा कि शेख भाई अब तक के कहां तक पहुंचे हैं। इस तरह पैदल घर से इतने हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए हज को निकलना दीन नहीं है, बेवकूफी है, ये आपको पता चल जाता। लिहाजा जहां भी जो भी बस ट्रेन जो भी मिलती पलट के घर को आइए, होश में आइए। इतनी मेहनत का जो जज्बा है, ये जज्बा आने वाले 2-3 साल दीन सीखने में लगा दीजिए, आपकी दुनिया भी समझ जाएगी, आपकी दुनिया भी आखिरत भी समझ जाती, आपकी सेहत भी समझ जाती, और आप दीन को सही समझ के दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने वाले बन जाते। अब रही बात निकल गए, मैं तो बोलूंगा लोगों में पब्लिसिटी होके बहुत अच्छा हो गया, दीन के मामले में बेवकूफी किसे कहते हैं ये दुनिया के सामने आ गई। मैं उस भाई से गुजारिश करूंगा जहां भी जो भी बस ट्रेन मिल रही पलट के खामोश घर को आ जाइए, दीन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जज्बात दीन का नाम नहीं होता, दलील पे अमल करने को दीन कहा जाता है। लिहाजा दूसरे लोग भी ऐसे जज्बाती हो गए, बैग बन ले रहे हैं, कोई साइकिल पे हज को जाने को जा रहा, कोई जो सो पैदल जाने को जा रहा, होश में रहिए, दीन जज्बात का नाम नहीं है। कुरान और सुन्नत पे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके बताया, आसानी के साथ बताया, उसे दीन कहा जाता है। अपनी मर्जी, अपने जज्बात, अपने जानों पे बोझ डाल लेने को दीन नहीं कहा जाता। अल्लाह का दीन आसान है, आसानी रखिए। लोगों के सामने इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट मत करिए ऐसे बेवकूफ़ वाले अमल से, पलट के घर को आइए, इतनी मेहनत दीन सीखने में और जो सो पैसा कमाने में लगाइए, अल्लाह की रिदा भी मिल जाती, दुनिया और आखिरत भी इंशाल्लाह समझ जाते। कुरान पाक में जिन अल्फाज का जिक्र है वो ये है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज यातूका रिजालन वाला कुल ज़ामिर यातीना मिन कुल फज्जिन अमीक, सूरह हज आयत नंबर 27। इसमें इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप लोगों में बावाज़ बुलंद हज का ऐलान कीजिए कि वो आपके पास आएं दूर दराज रास्तों से पैदल और हर दुबले ऊँट पर सवार होकर आएंगे। नाज़रीन किराम, इस आयत में एक लफ्ज़ जो आया है वो यातू का रिजालन, ये रिजालन इसका माना आता है पैदल चलना। मुफ्ती अहमद यारखा नईमी अशरफी अलैहि रहमतुर्रिदवान ने इस ताल्लुक़ से अपनी किताब नूरुल इरफान तफसीर नूरुल इरफान में फरमाया है कि इससे मालूम हुआ कि पापयादा हज करना यानी पैदल हज करना सवारी के हज से अफजल है। आगे फरमाते हैं, तकलीफ़ हज मयसर होना आराम के हज से अफजल है, दूर से पहुंचना करीब से पहुंचने से अफजल है। इस आयत के अंदर जो लफ्ज़ रिजाल आया है वो साफ बता रहा है कि पैदल हज करने की इजाज़त है, और ख़ुद उस आयत में आगे जो आया कि दूर दराज इलाके से आएंगे आपके पास और वहाँ खाने कावा में हज करने के लिए। इस आयत की बुनियाद पर ये मुफस्सरीन फरमाते हैं, फुकहा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स पैदल हज करना चाहता है और वो ताकत रखता है तो वो जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर उस इंसान के पास ज़्यादा राह है तो फिर ऐसी सूरत में यानी सवारी पर भी कुदरत है, ज़्यादा राह है तो उसके लिए सवारी का इस्तेमाल करना हज के सफ़र के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। तो शिहाब भाई के 58 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और वो गुजरात से होते हुए राजस्थान पहुंच गए हैं, फिलवक्त वो राजस्थान में ही हैं।